किन किन लोगों को भरा जाता था समाज नहीं जानता था। आज जो लोग ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, कैसे कैसे लोग यहां हैं, मुझे उसकी बौखलाहट बढ़ गई है और आगे और बढ़ने वाली है। मैं युवाओं से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि उनके कारण गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आपकी योग्यता ही आपका भविष्य निर्धारित करेगी। जिगर हौसला कुछ परख कर भी देखें, हदे इश्क से वो गुजर कर भी देखें। सुना है वो दरिया समझता है खुद को, सुना है वो दरिया समझता है खुद को, कोई कह दे उसको कि समंदर भी देखें, समंदर भी देखें। योग्यता से रोजगार, ये प्रशासन का मूल मंत्र है। युवा ऊर्जा अपने लक्ष्य को हासिल करे, इसके हर संभव प्रयत्न किए जाएंगे। आज जो लोग ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, कैसे कैसे लोग यहां हैं, मुझे उसके बारे में नहीं कहना है, लेकिन यहां की आबादी को और आपको पता है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जो भर्तियां हुई हैं अभी तक वो ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड ही रही हैं, और आने वाले समय में भी हर एक रिक्रूटमेंट सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा। कई दशकों तक ये जो माफिया चलता था यहां रिक्रूटमेंट का, मैं समझता हूं कि उसकी बौखलाहट बढ़ गई है और आगे और बढ़ने वाली है। और कुछ लोग हैं जो इस प्रोसेस को डिले करने की कोशिश करते हैं। मैं युवाओं से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि उनके कारण गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आपकी योग्यता ही आपका भविष्य निर्धारित करेगी, ये हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। कल अभी पीडब्ल्यूडी के सिलेक्शन हुए, आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि अंतिम उम्मीदवार का जब साक्षात्कार हुआ, मैंने इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके चार घंटे के भीतर जम्मू कश्मीर की पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजल्ट घोषित कर दिया। शायद ये यहां के लिए नहीं, देश के लिए मैं समझता हूं कि एक अनुकरणीय है। जब केएस की परीक्षा हुई इस साल की, तो अंतिम उम्मीदवार का इंटरव्यू हुआ, उसके तीन घंटे के भीतर परिणाम घोषित कर दिए गए। कल पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर्स की भर्ती हुई और चार घंटे में परिणाम पब्लिक डोमेन में डाल दिए गए। रोड कनेक्टिविटी, आम लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए फिजिकल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान, मैं कहूं कि अभूतपूर्व कीर्तिमान जम्मू कश्मीर ने स्थापित किया है। 6 किलोमीटर की रफ्तार थी हमारी सड़क बनाने की, अब हम 20 किलोमीटर सड़क लगभग रोज बना रहे हैं। इस वर्ष भी आकांक्षी जम्मू कश्मीर के भविष्य उन्मुख इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया गया है, और इस वित्तीय वर्ष में हमने 6000 किलोमीटर सड़क के मैग्नमाइजेशन का लक्ष्य रखा है। नाबार्ड के तहत अलग 353 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, 60 नए ब्रिजों का निर्माण होगा। आप सबको मालूम है कि आने वाले दिनों में G20 देशों के लोग आएं तो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं जम्मू कश्मीर में, इसकी कोशिश प्रशासन जी जान से कर रहा है, और उसके लिए जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेज गति से बनाया जा रहा है। आप पत्रकार भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये केवल प्रशासन नहीं, आपका भी मुझे सहयोग चाहिए कि जो G20 के देश आ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। और आपका भी इसमें कोई सुझाव है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे समिति के अध्यक्ष ACS होम तक जरूर पहुंचाएं। 10 साल से जो पुराने ब्रिज हैं उनका सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। हर गांव तक रोड पहुंचे, इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, समाज के अंतिम छोर और दुर्गम क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति के घर तक नल से जल पहुंचे, प्रशासन इस पर शिद्दत से काम कर रहा है। समावेशी विकास की परिकल्पना तभी पूरी होगी जब हर घर से साफ पीने का पानी, पोटेबल वाटर, हम उपलब्ध करा पाएंगे।